चंडी जिला परिषद वार्ड से जिला परिषद पंकज कुमार पिंकू ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंडी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा देने की मांग की है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंडी के तहत 16 पंचायतों के लोगों के स्वास्थ्य का जिम्मा रहता है और पिछले 4 साल से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंडी का दर्जा भी बढ़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मांग लगातार क्षेत्रवासी करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांग पर कोई भी गौर नहीं किया गया है। चंडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को यदि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिया जाता है तो क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक पंचायतों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी तथा जनता को धर्मशाला या टांडा मेडिकल कॉलेज जाने से निजात मिलेगी। जिला परिषद पंकज कुमार ने बताया कि पिछले लंबे समय से चली आ रही इस मांग पर जल्द गौर करते हुए क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंडी का दर्जा बढ़ाकर इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के बारे में आदेश जारी करने की मांग सरकार से की है। यदि एक सप्ताह के भीतर इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंडी की तालाबंदी कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रदेश सरकार की होगी, क्योंकि पहले भी कई बार क्षेत्रवासी अपनी मांग को उठा चुके हैं। चड़ी हॉस्पिटल है जो कि एक PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसको हमने CHC करने की, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर करने की मांग की थी, क्योंकि वहाँ पर जो है वो इस टाइम पे बिल्डिंग्स बन के तैयार हैं। वहाँ पर अपनी हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी है, साथ में अगर डॉक्टर्स का एकमेंडेशन है रहने की व्यवस्था, उसकी बिल्डिंग भी तैयार है, साथ में फोर्थ क्लास या दूसरे कोई वहाँ पर स्टाफ है उसके रहने की बिल्डिंग अलग से तैयार है, तो 3 बिल्डिंगें तैयार हैं वहाँ। इसके बावजूद भी ना तो वहाँ पर कोई डॉक्टर रात्रि डॉक्टर की सेवा है और ना ही किसी और चीज़ की फैसिलिटी है। जैसे आपको अगर छोटी सी चोट लग जाए, छोटा मोटा कोई एक्सरे करवाना हो, तो आपको या तो धर्मशाला जाना पड़ता है या टांडा का रुख करना पड़ता है, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। ऐसी कई तमाम यहाँ पर जो पंचायतें हैं, अगर ये CHC बनता है तो लोगों को जो डायरेक्ट यहाँ पर लाभ मिलेगा, और लोगों को अगर छोटी सी भी समस्या होती है तो उनको टांडा और धर्मशाला या शाहपुर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर ये जो आपकी PHC से CHC चढ़ी जो हॉस्पिटल का दर्जा बढ़ाया जाता है। ये जो 1/7/2021 को इसमें ये बोला गया है कि प्रशासन की तरफ से जो है वो ये जो आपकी मांग है, जो एक जायज़ मांग, उसको भेज दिया गया है सरकार का, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की है। तो मैं DC साहब के माध्यम से फिर से एक बार सरकार को ये अंतिम यहाँ पर मेमोरेंडम देने आए हैं। अगर 7 दिन का हम यहाँ समय दे रहे हैं DC साहब के माध्यम से सरकार को, अगर सरकार हमारी ये जायज़ मांग, जो एक मेरी मांग नहीं है, वो चड़ी पंचायत की मांग नहीं है, भितलू की मांग नहीं है, वो कम से कम यहाँ से 25 से 30, मे भी इससे भी ज़्यादा अब तो आबादी हो गई है, 30 से 35-40 हज़ार लोगों की जायज़ मांग है, अगर ये नहीं मानते हैं तो आगामी हम रणनीति तैयार कर रहे हैं, 7 दिन का समय दे रहे हैं, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है कि सरकार को कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ने वाला है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर सब कुछ तैयार है, हमारे पास यहाँ पर स्पेस काफ़ी खुला है, वहाँ पर आप अगर जाके देखें तो। पहली तो मेरी DC साहब से ये मांग रहेगी कि एक बार आप वहाँ आके खुद विज़िट करें, हॉस्पिटल की व्यवस्था देखें, उसके बाद वहाँ के लोगों की समस्या सुने, और साथ में हमें 7 दिन के अंदर आश्वासन नहीं, हमें कार्यवाही चाहिए, हमारे हॉस्पिटल का दर्जा बढ़ाना चाहिए। अगर ये नहीं बढ़ता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा, कम से कम कोई 40% तबका जो है, जो आबादी है, वो सरकार का घेराव करेगी और सरकार के खिलाफ़ हल्ला बोलेगी। और अगर ये नहीं, सरकार ये फिर भी नहीं मानती है, तो जो भी यहाँ पर अगर कोई गलत कदम उठाया जाता है सभी ग्रामीणों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा, तो उसकी जिम्मेवार सरकार होगी और प्रशासन होगा।